तो फिलहाल अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ की वेदर और कंडीशन ना आपको एकदम से सूट नहीं करेगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पीओ की तैयारी परेशान है हमारी आज, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कल सुबह रिटर्न लेंगे। तो कुछ परिवार तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। फालतू का जोश नहीं दिखाना है, क्योंकि देखो यहाँ मैं बोल भी रहा हूँ ना तो सांस चढ़ रहा है एकदम से, तो कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। 3 साल के बाद मैं हॉस्पिटल में आया 79 उम्र में। तो गाइस कभी कभी जीवन में ऐसे ही होता है, आप निकलते हैं बहुत कुछ सोच के घर से पर हो नहीं पाता है, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें एक पास हमें क्रॉस करना है। पर लेकिन उससे पहले पेंगोंग लेक जरूर जाएंगे। तो जी आगे पढ़ेंगे पेंगोंग लेक और चसूल और तांगसे, पर किलोमीटर कितना ये नहीं लिखा हुआ है। सो गाइस हमने अपनी गाड़ी की एंट्री करा ली है, हमें आगे जा रहा है पेंगोंग लेक, इसलिए एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है। तो गाड़ी की एंट्री करा ली है, सामने से एंट्री कराई हो वो सामने से एंट्री करा ली है। बढ़ेंगे आगे की तरफ पेंगोंग लेक की तरफ। तो फिलहाल श्रीमती जी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, ठीक नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए पेट्रोल मिल गया है, जहाँ मिल जाए पेट्रोल वहीं फुल करा लें नीचे यहाँ पर टंकी। तो फिलहाल हम अपनी टंकी को फुल करा लेते हैं। तो श्रीमती जी का चेहरा उदास, श्रीमती जी बेहोश। तो श्रीमती जी पहुँच गई है हॉस्पिटल, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, चेकअप कराया उसके बाद भी पीओ की तैयारी परेशान है हमारी आज, अभी तो थोड़ा बहुत स्टेबल आ रहा है। तो फिलहाल ये सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अभी कैसा लग रहा है जी? अब कुछ सही लग रहा है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग सब लोगों का सहयोग हमें मिलेगा तो हम दोबारा आएंगे। फिलहाल अभी मन यहीं तक है और कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है तो कुछ और, कुछ हो सकता है तो उसे भी देखेंगे। तो कुछ परिवार है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों एक्सरे कराया है डॉक्टर साहब ने, तो एक्सरे में थोड़ा सा दिक्कत आई है, तो रात भर लगानी पड़ेगी ऑक्सीजन, तो सुबह तक सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही हल्की ऑक्सीजन दी जा रही है, ये नॉर्मल जी वो उन्होंने बोला फ्लैट एरिया में जाओगे तो अपने आप सही हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कल सुबह रिटर्न लेंगे, पर लेकिन उससे पहले पेंगोंग लेक जरूर जाएंगे। तो वह रुकना नहीं है वहाँ, उन्होंने हमें बोल दिया रुकना नहीं है, पेंगोंग लेक होके जाइएगा। तो बच्चों को पेंगोंग लेक दिखाएंगे और आप लोगों को पेंगोंग लेक दिखाएंगे अगर पॉसिबिलिटी हुई तो। तो फिलहाल श्रीमती जी यहाँ रेस्ट करेंगी और मैं अभी बाहर रेस्ट करूँगा, तो कोई दिक्कत हो गई तो मैं फिर आ जाऊँगा 2 मिनट में ही। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, एनर्जी के साथ नहीं पर एक पॉजिटिव वाइब के साथ में। तो श्रीमती जी कैसी तबीयत है? ठीक है। रात भर ये हॉस्पिटल में रही, पीहू देखो बैठी है अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही। और अभी कैसी तबीयत लग रही है? ठीक। अभी ठीक लग रहा है, आराम है। तो गाइस यहाँ से हम जितना जल्दी हो सकेगा ले की तरफ निकलेंगे, आगे जब जाएंगे। और रात को एक पेशेंट और यहाँ पर आ गए थे, उनकी भी यही स्किन कंडीशन थी। नमस्कार जी, था। आपको अब कैसे लग रहा है? काफी अच्छे है, एकदम ठीक। अब ठीक लग रहा है ना? हाँ। तो अब आप ले की तरफ जा रहे हैं, कैसे क्या करेंगे? नहीं, ये लोग मेरे को लेके आने वाले हैं, लेक के सामने। अच्छा, हम तो जितना जल्दी होगा लेह की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम एक दिन लग सकता है और हमें इस एरिया में, क्योंकि एक पास हमें क्रॉस करना है। अगर हम जिस रास्ते से अभी आए थे उस पर अगर वाला पास को हम क्रॉस करते हैं तो उस पर स्नो काफ़ी है। हाँ। और एक दूसरा और पास है उसको क्रॉस करेंगे, बात तो एक ही है, एक पास क्रॉस करना है तो क्यों ना एक ईजी वाला पास क्रॉस किया जाए। तो अब निकलेंगे हम वापस, पहले डॉक्टर साहब आ जाए एक बार चेकअप करा लें, एक बार डॉक्टर साहब चेक कर लेंगे, परमिशन दे देंगे, तो देन फिर हम यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे। तो गाइस कभी कभी जीवन में ऐसे ही होता है, आप निकलते हैं बहुत कुछ सोच के घर से
पर हो नहीं पाता है और कर नहीं पाता है इंसान। 3 साल के बाद में हॉस्पिटल में आया है ना, तो आंटी बोलिए, आंटी क्या बोल रहे हो? 3 साल के बाद में हॉस्पिटल में आया 79 उम्र में। देखो 79 की उम्र में 3 साल के बाद हॉस्पिटल में आए हैं, तो है ना, आदमी सोचता कुछ हो रहा होता कुछ हो रहा है, तो कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ जो स्टाफ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नहीं सच में यहाँ पर का जो स्टाफ है कोऑपरेटिव है, ऐसी बात नहीं है, सीरियसली कोऑपरेटिव है, कैमरे के सामने की बात नहीं है। सो दोस्तों श्रीमती जी को छुट्टी मिल चुकी है, ठीक है, अब चल दिए हैं अपने होम स्टे की तरफ। होम स्टे लिया गया है आज, तो अब देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिलहाल श्रीमती जी को आराम की जरूरत है, तो इनको आराम देंगे। हाँ जी, कैसा लग रहा है अब? ठीक लग रहा है, आराम से, आराम से, आराम से। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। श्रीमती जी की भी तबीयत अब अच्छी है। ये सामने होम स्टे है हमने, और सामने हमारी खड़ी है कैरावैन। हमने ये होम स्टे लिया था ताकि श्रीमती जी को प्रॉपर रिलैक्स मिल जाए, आराम मिल जाए। एक और बात है जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये जाता है पेंगोंग लेक की तरफ। देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर जा पाएंगे तो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है। जो मेन बात है, अगर आप सोलो आ रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ की वेदर और कंडीशन ना आपको एकदम से सूट नहीं करेगा। तो धीरे धीरे आइए, होम स्टे लीजिए, बेकार में बिना जोश के, फालतू का जोश नहीं दिखाना है। क्योंकि देखो यहाँ मैं बोल भी रहा हूँ ना तो सांस चढ़ रहा है एकदम से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि होम स्टे ले लेके आप कैंपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आपकी कैरावन से खाना बने या ना बने वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जान बचाना ही मेन चीज़ है। सांस चढ़ रहा है इसलिए अटक अटक के बोल रहा हूँ बार बार। तो यहाँ जो कंडीशन है ना, यहाँ आपको कैंपिंग की भरपूर जगह मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगी, रोड मिलेंगे, एक नंबर सब कुछ मिलेगा, पर लेकिन आप कैंपिंग कर नहीं पाओगे क्योंकि तेज़ हवाएं, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। रात को बहुत तगड़ा स्नोफॉल हुआ है, यहाँ पे -8 डिग्री पहुँच गया था। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप सोलो आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ एडजस्ट करने के लिए कुछ समय लगेगा। बट मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, कैंपिंग ना करें, होम स्टे ले लेके थोड़ा सा अपना ट्रैवल का एंजॉय करें और अपनी जर्नी का मज़ा लें। बेकार में हमारे जैसे हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा आपको। अब हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ से अब निकलेंगे आगे की तरफ, एक पास हमें क्रॉस करना है, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, एक पास हमें क्रॉस करना है। बस एक पास क्रॉस करने के बाद हम वापस लेह की तरफ निकल जाएंगे, जहाँ श्रीमती जी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक्सरे जो हुआ था उसमें बताया गया था उनके लंग्स में पानी चला गया है, और वो नॉर्मल फ्लैट एरिया में जितना जाएंगी ना उतना जल्दी सही हो जाएंगी। अभी मैं भी कम बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बोल रहा हूँ तो सीने में दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हमारी कैंपिंग वैसे स्टार्ट भी नहीं हुई है, जितना हो सकता है अभी फ़िलहाल परिवार को घुमा रहे हैं। ये देखो कुछ व्यू है यहाँ का, और ये सामने ना सब कुछ यहीं से लिया। खिचड़ी भी रात श्रीमती जी की यहीं से बनवाई गई है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसा होटल वोटल नहीं है। अपने कैरावैन से यहाँ पे दाल ली है और उसके बाद खिचड़ी वगैरह बनवाई है। यहाँ पे सर लोग जा रहे हैं सब। हेलो सर, हाय सर। ये देखो ये सब कैंप एरिया है, तो मिलिट्री एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सामने सामने है ना, वो देख रहे हो आप, पास में ही हॉस्पिटल है, और डॉक्टरों ने क्लियर बोल दिया है कि जब तक आप फ्लैट एरिया में नहीं जाओगे ना, आप ज़्यादा देर कहीं रुकना नहीं है, आप सीधा नीचे की तरफ जाओ तो बेटर है, अदरवाइज आपकी श्रीमती जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हम कोई ज़्यादा टेंशनबाजी वाले काम कर नहीं रहे हैं, सीधा वापस लेह की तरफ जा रहे हैं। तो देख अब उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल हमें ज़रूरी है कि श्रीमती जी की तबीयत थोड़ी ठीक हो, अभी तो नॉर्मल हुई हैं। हाँ जी, सांस चढ़ रहा है क्या अभी भी? तो आप मेहनत बंद करो ना, उसको कपड़े चेंज किए, हो गया ना, तो अब आप आराम से बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। देखो इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी ना श्रीमती जी बहुत मेहनत करती है, समझ रहे हो, इसलिए मैं इनके ऊपर प्राउड करता हूँ, और प्राउड भी करता हूँ, गुस्सा ही बहुत करता हूँ, बहुत लड़ता भी उनसे, बट लेकिन प्राउड इसीलिए करता हूँ, और ऊपर वाले को थैंक यू भी करता हूँ कि ये मुझे मिली। तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, चेहरे पर मुस्कान आई है जब श्रीमती जी को देखा है, हाँ ठीक हो गई है, तो नहीं तो अदरवाइज आपको मैं बताऊं, जो हमारे ग्रुप में साथ चले थे ना, दो फैमिली तो भागा भाग गए, समझ रहे हो। मैडम को श्रीमती जी का मतलब चेकअप हो रहा है, वो हमें छोड़ गए भाग गए। फिर भाई सुनील भाई आए उधर से, उधर से अपने विक्रम जी वहीं रुके, भाभी ने देखा कि नहीं उनकी तबीयत ख़राब है, उनको एडमिट करना पड़ रहा है, उन्होंने अपना सफ़र आगे नहीं किया, वो वहीं रुक गए हमारे लिए। उन्होंने ही होम स्टे लिया कि अगर कोई दिक्कत होती है तो होम स्टे में हम यहाँ आ जाएं, उसके बाद में बाकी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सफ़र है,
कोई आता है कोई जाता है, कोई गाता है कोई रोता है, तो कोई बात नहीं। सो फाइनली गाइस चल रही है पेंगोंग लेक की तरफ। कुछ ठीक है श्रीमती की तबीयत, वैसे भी आज केवल हम आज इस ऑडिट्यूड में रहेंगे, ऑडिट्यूड कह दो या फिर हाई ऑडिट्यूड कह दो। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, अभी जो हम रात स्टे करेंगे वो करीब उसकी जो ऊंचाई है 10,000 फीट है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ भी हम होम स्टे लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ईड़ में नहीं आएंगे हम, परिवार है यार, परिवार के लिए करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब तक आप लोग हैं और वो है ना ऊपर वाला बजरंग वाली, जय बजरंग वाली, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जा रहे हैं पहले पेंगोंग लेक आप लोगों के लिए, कुछ शॉर्ट्स लेंगे पेंगोंग लेक के, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, 2 या 4-5 मिनट बस पार्किंग में गाड़ी लगा के तुरंत पेंगोंग लेक से निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड है वहाँ का भी, फिर उसके बाद आगे निकल जाएंगे। और पीछे हमें अगर हम यहाँ भी रुकते तो, क्योंकि जो अभी हमने कल पास क्रॉस किया था जिसमें 2 घंटे जाम में रहे थे, वहाँ पे रात को बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, तो वो भी शाम तक ही क्लियर होगा। और पास पर रुके थे ना, तो इस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा देखो हो गई, तो अब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था ऑक्सीजन लेवल, और फिर गाड़ियाँ चल भी नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी वो, तो आर्मी, हमारी आर्मी इतनी अच्छी है जो हर चीज़ को सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे शूट हुआ था कुछ पार्ट उस फिल्म का, जब तक है जान, सामने लिखा हुआ भी है शूटिंग पॉइंट जब तक है जान का। अगर आप यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे ना तो आपको 30 रुपये पर पर्सन एक फ़ोटो का देना पड़ेगा। कि यहाँ का व्यू देखो गाइस क्या ज़बरदस्त है, एक तरफ काले पहाड़ हैं, एक तरफ बर्फ़ के पहाड़ हैं, फिर काली काली रोड है, मतलब ऐसा लगता है कि भाग जाओ चले जाओ। देखो गाइस व्यू, बस पहुंचने वाले हैं अपना पेंगोंग लेक, एक नंबर। जब इन पुल पे से चलते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है भाई साहब, देखो सामने है पेंगोंग लेक, बहुत बड़ी है यार ये तो, बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी है सच में, तो किलोमीटर लंबी लग रही है। अभी आगे जाके देखेंगे क्या है, पर रास्ते देखो ऐसे एक रोड भी एक नंबर बना रखे हैं, गजब गजब, बिल्कुल बोले गजब, वाह। ये देखो है तो किनारे पे, लेकिन कहीं पार्किंग में गाड़ी लगेगी, उसके बाद यहाँ तक आएंगे फिर देखते हैं। और देखो बिल्कुल ब्लू पानी है यार, बिल्कुल ब्लू। दोस्तों ये जो है सामने लेक, ये बहुत बड़ी लेक है, हम तो जो फिल्म थी 3 इडियट उसमें देखा था, तो देख रहा था कि छोटी सी होगी कोई, हाँ होगी कोई 1 किलोमीटर की, पर भाई साहब ये तो बहुत कई किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, देखो सामने देखो। तो आगे जाके चाइना जाए क्या? हाँ ये आगे चला जाएगा, आगे से फिर हो जाएगा। अच्छा ये चाइना भी चली जाएगी। और भाई साहब ये जो बंदा है ना, अगर ये बंदा कल नहीं आता ना तो मुझे सर्वाइव करना बड़ा टफ हो जाता। थैंक यू सुनील भाई दिल से, किस चीज़ का? थैंक यू। अरे किस चीज़ का, मस्त हो जाए तो। अरे देखो देखो यही तो होता है बड़े का, यही अरे बाद में देखो। तो सामने खड़ी है हमारी अंडोरी और श्रीमती जी, और पीओ भी आग उठ गया, आ जाओ बताओ। देखो इधर हाय हाय कर दो, हाय, आराम आराम से आना, इधर से आना, इधर से। तो गाइस पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक, सबने लगा के रखे स्कूटर वगैरह सब कुछ, ये देखो देखो हिम्मत कितनी करनी है, पहुंच गई है। कैसा लग रहा है जी? अच्छा तो बहुत लग रहा है, तबीयत खराब है ना, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करूं क्या नहीं, कोई बात। थोड़ी ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, तुरंत निकलना है। सांस चढ़ गई थी पर कोई बात नहीं, ठीक हो गया, थोड़ा पानी पी लिया है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे तो ऐसा होता है। तो फिलहाल अब चल रहे हैं अपने आगे की तरफ,
और हमारी बाकी गाड़ियां तो जा चुकी है दोनों, सुनील भाई और विक्रम जी तो निकल चुके हैं, हम भी निकल रहे हैं। तो पियो को तो खाना दे दिया ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सो फाइनली गाइज हमने पेंगोंग लेक कर ली, यानी कि देख ली, श्रीमती जी को भी दिखाया, फोटो भी खिंचाए, पर जा देने रुके तो मन को थोड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा कि हाँ श्रीमती थोड़ा सा बाहर आई, पर ज्यादा देर नहीं रुके, वापस रिटर्न मार दिया हमने। और गाड़ी के अंदर से ही व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था बिल्कुल रुकना नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ तक आए तो जाओ जरूर, तो इसलिए फिर डॉक्टर की बात मान के फिर हम आए। और भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बिल्कुल कांच सा पानी है।